दोस्तों आज हम यहाँ पे देखेंगे क्लास ट्वेल्थ अकाउंटेंसी का रिवीजन वीडियो नंबर 4। और इसमें हम लोग बात करेंगे यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 यानी अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 4 जो कि आती है गुडविल ख्याति। और ख्याति जो है हर बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे कितने 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे इंपॉर्टेंट, और यहाँ पे सब्जेक्टिव मोस्ट इंपॉर्टेंट के सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे 5 देंगे। तो आप लोग अगर ये 15 और ये 5 तैयारी कर लेते हैं तो आपका यहाँ पे ख्याति गुडविल अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा और आपको उसी में से लगभग एग्जाम में क्वेश्चन देखे जाएंगे। तो यहाँ पे गेस क्वेश्चन है, बिल्कुल 100% गेस है। तो आप लोग आराम से यहाँ पे ये वीडियो को पूरी लास्ट तक देखो। और यहाँ पे क्या है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में, यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। तो आप लोग अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है चाहे आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, आप लोग आराम से देखिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही लीजिए। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आप लोग कोशिश करिए जो भी क्वेश्चन है यहाँ पे आराम से साथ में याद करते हुए चलिए, तभी आपको इस वीडियो से फायदा मिल सकेगा। तो चलिए क्वेश्चन 1 यहाँ पे क्या आ जाती है, मैक्सिमम आप लोग ये श्योर कर लीजिए कि आपके पास यहाँ पे 10 से 15 मिनट टाइम है, क्योंकि ये वीडियो 10 से 15 मिनट की होने वाली है और आप इसमें आराम से इस वीडियो को अच्छे से समझेंगे, इसमें सारे क्वेश्चन याद कर लेंगे। आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का आंसर भी चलिए बताते हुए चलते हैं। क्या है यहाँ पे, ख्याति है गुडविल इज एन, तो यहाँ पे गुडविल क्या हो जाता है, गुडविल देखो एक तो अस्थायी संपत्ति फिक्स एसेट्स होता ही है, अमूर्त संपत्ति होता ही है, इंटेंजिबल एसेट्स होता ही है, अदृश्य यानी इनविजुअल एसेट्स होता है। अब ख्याति होता क्या है, एक ऐसा मतलब एसेट्स हो जाता है, एसेट्स के टाइप का हो जाता है जिसका वैल्यू तो है और फॉर्म के लिए वो एक्स्ट्रा बेनिफिट दिलवाता है, एक्स्ट्रा बेनिफिट दिलवाता है ख्याति गुडविल। तो ये हो जाता है ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगी। चलिए अभी दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। और ये क्या है, निम्न घटक ख्याति को प्रभावित करते हैं सिवाय, मतलब फॉलोइंग आर द फैक्टर अफेक्टिंग गुडविल एक्सेप्ट, मतलब कौन है यहाँ पे जो गुडविल को यहाँ पे अफेक्ट नहीं करता, ये पूछ रहा है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन और दो का, तो अफेक्ट यहाँ पे कौन कौन नहीं करता है, तो यहाँ पे दो का राइट आंसर क्या हो जाएगी वो आपको यहाँ पे बताना है। तो देखो यहाँ पे ये है एक ग्राहकों की स्थिति, मतलब लोकेशन ऑफ द कस्टमर, तो यहाँ पे ये जो है एक जो है गुडविल को अफेक्ट नहीं करता है। बाकी देखो टेक्निकल नॉलेज, एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट और नेचर ऑफ बिजनेस, ये सब क्या है गुडविल को अफेक्ट करता है, ये सब जो है ख्याति को अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी राइट हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। और इसमें क्या है, एकांकी व्यापार में ख्याति का मूल्यांकन आवश्यक नहीं है, द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज नॉट नेसेसरी टू सोल ट्रेडिंग। तो यहाँ पे 3 में क्या बोला जा रहा है, अब पढ़ लिए क्वेश्चन, अब चलिए 3 का राइट आंसर देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, व्यापार बंद करने पर। तो यहाँ पे 3 का राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, ऑन क्लोजिंग द फॉर्म। तो यहाँ पे चलिए 3 के बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, और 4 नंबर क्वेश्चन। और इसमें क्या है, अधिक के लाभ का अर्थ है, मतलब व्हाट डू यू मीन बाय सरप्लस सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट से क्या मतलब है, क्या मीन है इसका। तो यहाँ पे 4 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, औसत लाभ, और यहाँ पे औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ, मतलब एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट क्या हो जाता है, सुपर प्रॉफिट हो जाता है। आपको जब गुडविल का फॉर्मूला है, आपको गुडविल का जितना भी इस चैप्टर में फॉर्मूला है ना, जो जो मैटर्स है वो आप अच्छे से याद रख लीजिए, क्योंकि उससे किसी भी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाया जा सकता है। जैसे यहाँ पे देखो सुपर प्रॉफिट का था एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो ये था एक फॉर्मूला। इसी टाइप से जो और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, तो फॉर्मूला आप जरूर याद रख लेना। चलिए अभी और भी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, उसमें और भी फॉर्मूला आएंगे, तो आप लोग ये क्वेश्चन सभी याद कर लीजिए, ऑप्शन बी राइट हो गई। अभी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। और इसमें बोला जा रहा है, सामान्य लाभ पर औसत लाभ का अधिक कहलाता है, द एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या चीज बी हो जाएगा, यहाँ पे 5 का राइट आंसर सॉरी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी अधिलाभ यानी सुपर प्रॉफिट। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट, तो यहाँ पे ऑप्शन जाहिर सी बात है ऑप्शन ए हो जाएगा, अधिलाभ सुपर प्रॉफिट। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन। और ये क्या है, ख्याति की गणना में भारित औसत विधि का प्रयोग किया जाता है जब, वेट इज एवरेज एवरेज मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल इज यूज्ड व्हेन। तो यहाँ पे 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या चीज डी हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाएगा, लाभ यहाँ पे बी और सी दोनों हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे क्या है, ऑप्शन बी पढ़ लेते हैं, लाभ के बढ़ने की प्रवृत्ति में मतलब प्रॉफिट हैज इंक्रीज ट्रेंड, और जो यहाँ पे प्रॉफिट हैज डिक्रीज ट्रेंड। अब देखो यहाँ पे क्या है, प्रॉफिट अगर मान लेते हैं, अगर 5000 है एक साल का, 5000, 6000 और उसके बाद 7000 है, तो अगर ऐसे ट्रेंड में है ना, जब बढ़ रहा है
तो बढ़ते क्रम में जब रहेगा, मतलब जो भी इंक्रीज या तो हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है, उस समय हम लोग यहाँ पे वेटेज एवरेज का यूज़ करेंगे। उस समय हम लोग यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगी, या तो देखो बढ़ रहा होगा या फिर घट रहा होगा, 7,000 के बाद 6,000 आ गया, 5,000 आ गया, तो ऐसे ट्रेंड में, जब ऐसा ट्रेंड हो तब उस समय आपको यूज़ करना है यहाँ पे क्या चीज़, वेटेज है मैटर, वेटेज एवरेज मैटर। चलिए हम लोग 6 देख लेते हैं, और बहुत लोग बोले थे कि समझाते हुए नहीं चलिए, डायरेक्ट आंसर बताते चलिए यहाँ पे, इसलिए हम आपको डायरेक्ट जल्दी जल्दी आंसर बताते हुए चल रहे हैं। फिलहाल आप लोग बता सकते हैं कि कैसे आपको बताएं। चलिए 7 और क्वेश्चन में यहाँ पे क्या है, व्यवसाय की प्रसिद्धि के मौद्रिक मूल्य को कहते हैं द मोनेट्री, क्या है द मोनेट्री वैल्यू ऑफ रिपुटेशन ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ख्याति। अब देखो यहाँ पे क्या है, रिपुटेशन का जब भी चर्चा हो तो यहाँ पे ख्याति हो जाएगा। देखो ये फॉर्म के लिए ये क्या है, एक वैल्यू है जो एसेट्स है, इंटेंजिबल तो है लेकिन इसके बहुत वैल्यू है, जो ये जो है, और जैसे एसेट सेल करते हैं वैसे गुडविल भी सेल किया जा सकता है। तो ये क्या क्या हुआ, रिपुटेशन हुआ, इसका नाम हुआ, प्रसिद्धि हुआ, इससे क्या होता है फॉर्म एक्स्ट्रा बेनिफिट कमाता है, इन फ्यूचर भी कमाता है, फ्यूचर में इसका वैल्यू धीरे धीरे बढ़ता जाता है। अब अगर फॉर्म अच्छा परफॉर्म करता है, अगर अच्छा नहीं करता है तो धीरे धीरे इसका वैल्यू घटता भी है। यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगी। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर और 8 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या है यहाँ पे वास्तविक लाभ, क्या है वास्तविक लाभ के सामान्य लाभ पर अधिक को कहते हैं। अब देखो ये सब हम आपको इसलिए बोले थे, फॉर्मूला आप याद रखो, फॉर्मूला से बस ये सब ऑब्जेक्टिव लिए गए हैं, द एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ द नॉर्मल प्रॉफिट इज कॉल्ड। तो यहाँ पे 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आधी लाभ यहाँ पे हो जाएगा, आधी लाभ यहाँ पे, अधिलाभ यानी सुपर प्रॉफिट, ऑप्शन ए सही हो जाएगी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, और 9 नंबर क्वेश्चन, और इसमें क्या बोला जा रहा है, आप लोग आराम से बुक उलटाओ, गुडविल चैप्टर निकालो, और उसमें क्या है जो मेथड है ना, सारे मेथड आप लोग अच्छे से देख लेना, एवरेज एवरेज मेथड, एवरेज बेटेड मेथड, उसके बाद जो है एन्यूटी मेथड, जो भी मेथड है आपके बुक में आप लोग आराम से वो सब जो पढ़ लीजिए, कैपिटलाइजेशन वैल्यू मेथड जो भी है वो सब का फॉर्मूला आप याद एक बार जरूर कर लीजिए, वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उससे प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आ सकती है और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकती है, तो आप लोग दोनों यहाँ पे कवर हो जाएगा, तो वो एक बार देख लीजिए। फिलहाल हम आपको ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के साथ में आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो बताएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो वो आप जरूर देखिए, यहाँ पे उसी के लिए मेन यहाँ पे वीडियो बना है। यहाँ पे 9 और क्वेश्चन क्या है, जब पुस्तकों में ख्याति खाता ना हो तो ख्याति खाता खोले गए जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डैश खाते को डेबिट किया जाएगा। यहाँ पे व्हेन देयर इज नो गुडविल अकाउंट इन द बुक्स एंड गुडविल इज राइज्ड अकाउंट तो विल बी डेबिट। तो यहाँ पे 9 का आंसर क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए, 9 का आंसर क्या हो जाएगा, अभी तक हम आपको आंसर दिए 9 का आंसर, देखते हैं कितने लोग सही जवाब दे पाते हैं, तो आप लोग नीचे जाइए और कमेंट करिए सही आंसर जो होगा। अभी चलिए यहाँ पे देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन, और इसमें बोला जा रहा है 10 में देखो यहाँ पे बेसिकली ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, और क्या हो जाएगा चलिए देखते हैं। यहाँ पे विगत वर्षों के लाभ 42,000, 39,000, 45,000 औसत लाभ के 2 वर्ष के क्रय पर ख्याति का मूल्य होगा। यहाँ पे बोला जा रहा है द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स में आर 42,000, 39,000, 45,000, वैल्यू ऑफ गुडविल एट 2 ईयर्स परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट विल बी, एवरेज प्रॉफिट विल बी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा औसत लाभ से, यहाँ पे चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगी। तो आप सबसे पहले तो ये तीनों को जोड़ लेना, और उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, 3 से डिवाइड कर देना, 2 से गुना कर देना, यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगी, ठीक है ऐसे कर लेना आंसर मिल जाएगी, ये तीनों को जोड़ लेना, उसके बाद 3 से डिवाइड कर देना, डिवाइड बाय 3, उसके बाद जो आएगा वो हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट, और गुडविल के लिए हो जाता है एवरेज प्रॉफिट उन्हें नंबर ऑफ ईयर परचेस, तो 2 से गुना कर देना, आंसर यहाँ पे आ जाएगी ऑप्शन नंबर क्या चीज बी, 84,000 यहाँ पे हो जाएगा, वैसे आएगा क्या एवरेज प्रॉफिट 42,000, और गुने 2 करोगे तो आ जाएगा यहाँ पे 84,000। चलिए अब देख लेते हैं 10 के बाद क्या है, 11 नंबर क्वेश्चन, और इस टाइप का क्वेश्चन ना बहुत पूछे जाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आपको, इस टाइप का क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, 2 नंबर के क्वेश्चन में, 3 नंबर के क्वेश्चन में, ऐसे भी ये पूछा जा सकता है, तो ये इस टाइप का क्वेश्चन एक बार अपने बुक से जरूर देख लेना और ये क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लेना खुद से। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्या है, एक व्यवसाय में विनियोजन पूंजी 1.5 लाख, लाभ 50,000 और सामान्य लाभ की दर 20% पूंजीकरण विधि से ख्याति की राशि होगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा चलिए देख लेते हैं, इंग्लिश में क्या बोला जा रहा है, कैपिटल कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस 1.5 लाख, प्रॉफिट आर 50,000 एंड द नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट इज 20%, द अमाउंट ऑफ गुडविल एज पर कैपिटलाइजेशन मेथड विल बी, यहाँ पे कैपिटलाइजेशन मेथड से पूछ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा चलिए आपको डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला से हम आपको सॉल्व करके दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आप लोग आराम से अपने बुक से फॉर्मूला देख के सॉल्व कर लेना, यहाँ पे 50,000 हम आपको शॉर्ट में बस यहाँ पे सॉल्व कर दे रहे हैं, 100 हो जाएगी, डिवाइड बाई 20 कर लेना, और ये आप कॉपी में नोट कर लो जल्दी जल्दी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2.5 लाख हो जाएगा,
2,50,000 हो गया, 2,50,000। चलिए यहाँ पे 2,50,000 हो जाएगा 2,50,000, तो 2,50,000 हो जाएगा क्या चीज़, कैपिटलाइजेशन वैल्यू। और उसके बाद गुडविल निकालना है, तो गुडविल निकालने के लिए क्या करना है हम लोग को, 2,50,000 और ये जो हो गया 2,50,000 माइनस जो नेट एसेट्स है, और तो इसको हम लोग माइनस कर लेंगे, यानी कैपिटलाइजेशन एम्प्लॉयड जो है तो उसको हम लोग माइनस कर लेंगे, मतलब 1,50,000 यहाँ पे माइनस कर लेंगे 2,50,000 में, तो कितना बच जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा 1,00,000। तो 1,00,000 यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2,50,000 में से 1,50,000 गया, 1,00,000 बचेगा। तो इस टाइप से यहाँ पे आप सॉल्व कर लेना। यहाँ पे वैसे फॉर्मूला क्या हो जाता है, एवरेज प्रॉफिट गुने 100 × डिवाइड बाय NRO ओवर, मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो यहाँ पे नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न हो जाता है। चलिए ये फॉर्मूला हो गई, आपको वैसे सॉल्व करके बता दिए, ऑप्शन यहाँ पे डी राइट हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको जल्दी से बताने के लिए ऐसे किए हैं अभी फिलहाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन ये क्या है, एक संपत्ति जो कृत्रिम नहीं है परंतु अमूर्त प्रकृति की है, प्रकृति के है, जिसका वसूली मूल्य होता है, द एन एसेट्स विच इज नॉट फिनिक्टियस बट इंटेंजिबल एंड हैव रियलाइजेबल वैल्यू। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो उसका फिक्टिवस जो है वैल्यू, और यहाँ पे ये क्या है एसेट्स है, और उसके बाद इंटेंजिबल एंड उसका रियलाइजेशन कुछ रियलाइजेबल वैल्यू है, मतलब उससे जो है कुछ पैसा वसूल किया जा सकता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो क्या है, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या थी, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा, 12 का ऑप्शन डी मतलब गुडविल है वो। अब चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 13 नंबर, और इसमें क्या बोला जा रहा है, अधिलाभ के आधार के अंतर्गत ख्याति की गणना की जाती है। अब यहाँ पे अधिलाभ का मतलब क्या हो जाता है, तो यहाँ पे 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे सुपर प्रॉफिट से जो आपको ख्याति निकालना है, सुपर प्रॉफिट इसमें इंग्लिश लिखना भूल गए, तो यहाँ पे सुपर अधिलाभ का आंसर हो जाएगा ऑप्शन इंग्लिश हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट के आधार पर आपको गुडविल निकालना है, उसका कैलकुलेशन करना है गुडविल का, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपको पता होगा नंबर ऑफ शेयर परचेज, यहाँ पे शेयर हो जाएगा, यहाँ पे ईयर परचेज हो जाएगा, ईयर परचेज और सुपर प्रॉफिट, यहाँ पे शेयर के जहाँ पे ईयर कर लेना, नंबर ऑफ ईयर परचेज इंटू सुपर प्रॉफिट, ये जो हो जाता है सुपर प्रॉफिट से जब गुडविल निकालना होता है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन, और इसमें क्या है, औसत लाभ के आधार के अंतर्गत ख्याति की गणना की जाती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, औसत लाभ से पूछ रहा है एवरेज प्रॉफिट, तो यहाँ पे देखिए एवरेज प्रॉफिट से क्या है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए है, तो यहाँ पे 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खरीदे गए वर्षों की संख्या औसत गुने औसत लाभ, नंबर ऑफ ईयर परचेज इंटू एवरेज प्रॉफिट, ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। अगर देखो वही पे सुपर प्रॉफिट से पूछा रहता है, तो यहाँ पे आंसर ये हो जाता, बी हो जाता, अभी ऑप्शन ए हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 15 और क्वेश्चन, और इसके बाद हम लोग चलेंगे डायरेक्ट वो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने के लिए। तो चलिए आप आराम से यहाँ पे ये क्वेश्चन समझ लीजिए क्या है, पिछले तीन आराम से आप लोग पढ़ लीजिए खुद से, पिछले 3 वर्षों के औसत लाभ के दोगुने पर ख्याति का मूल्य क्या होगा यदि 3 वर्षों के लाभ 4,000, 5,000, 6,000 थे, यहाँ पे क्या हो जाएगी, व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ गुडविल एट टू द एवरेज ऑफ लास्ट 3 ईयर प्रॉफिट एट द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर 4,000, 5,000 एंड 6,000। यहाँ पे ये क्वेश्चन हो गई, और आप लोग आराम से इसका आंसर निकाल लेना 15 का आंसर, और आप लोग नीचे कमेंट कर लेना 15 का राइट आंसर क्या है, कैलकुलेशन कर लेना, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आप लोग आराम से कैलकुलेशन करके नीचे जवाब देना क्या होगी। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं, इसी के लिए यहाँ पे वीडियो है बेसिकली, और इसमें टोटल 5 क्वेश्चन है, और 5 क्वेश्चन में से आप एक क्वेश्चन बिल्कुल मिस मत करना, 5ों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी बोर्ड से हो ना तो अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चेक करना, इससे जरूर क्वेश्चन पूछा गया होगा। तो चलिए यहाँ पे क्या है इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखते हैं क्या है, ख्याति से क्या आशय है, ख्याति से क्या आशय है, ख्याति निकालने की कौन कौन सी विधियाँ हैं। तो देखो अगर यहाँ पे पूछा जाता है क्वेश्चन में ख्याति क्या है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है सिंपल एक क्वेश्चन, उसका दूसरा क्वेश्चन ये भी हो सकता है ख्याति निकालने की कौन कौन सी विधियाँ हैं, इसका यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, व्हाट इज मीन्ट बाय गुडविल, व्हाट आर द डिफरेंस मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल, तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन बेसिकली यहाँ पे सम्मिलित है, और ये क्या हो जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में, इस टाइप का क्वेश्चन 2 क्वेश्चन जब इंक्लूड रहेगा एक क्वेश्चन में, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में ज़्यादातर पूछी जाती है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन 1 आप लोग लिख लीजिए कॉपी में, और इसको आराम से आप लोग बुक से आंसर देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हर बोर्ड बोलता है कि सेल्फ आंसर देने के लिए, खुद से आंसर देने के लिए ज़्यादा मार्क्स आपको मिलेगा। तो 1 नंबर क्वेश्चन आप कॉपी में लिख लीजिए वीडियो को रोक के, और क्वेश्चन 2 देख लीजिए क्या है यहाँ पे, इसको भी आराम से लिख लीजिए क्या है, यहाँ पे ख्याति को परिभाषित करें तथा ख्याति को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें, डिफाइन गुडविल एंड डिस्क्राइब द फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल, तो ये दोनों क्वेश्चन लिख लीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है, इसके यहाँ पे प्रभावित ख्याति को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें, ये क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछे गए हैं CBSE बोर्ड में भी, फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल, वैसे ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में भी पूछी गई है,
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे, तीन और क्वेश्चन, और ये क्या है, ख्याति के मूल्यांकन की दशाएं बताइए, एक्सप्लेन द कंडीशंस ऑफ, यहाँ पे क्या है, फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, तो ये क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए। उसके बाद चलते हैं फोर नंबर क्वेश्चन, वीडियो को रोक के आप लिख सकते हैं अगर आपको लग रहा है स्पीड हम जा रहे हैं तो। फोर नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या है, ख्याति के मूल्यांकन की औसत लाभ विधि तथा अधिलाभ विधि में अंतर कीजिए, डिस्टिंग्विश बिटवीन एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड सुपर प्रॉफिट मेथड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन आपको ये भी पूछा जा सकता है, एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या है और सुपर प्रॉफिट मेथड क्या है, तो यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन आप जवाब दोगे उसमें फॉर्मूला जरूर लिखना है यहाँ पे, इसलिए आपको बोल रहे हैं फॉर्मूला मस्ट है, आप बुक खोलिए और फॉर्मूला सारे समझ लीजिए, याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, फाइव नंबर और ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, गुडविल का। उसके बाद अगर आप लोग नेक्स्ट चैप्टर चाहिए तो आप लोग नीचे कमेंट एक बार जरूर कर दीजिएगा। अभी यहाँ पे क्या है, औसत लाभ विधि के अनुसार ख्याति की गणना का सूत्र दीजिए, देखिए फॉर्मूला तो पूछ ही दिया यहाँ पे, गिव द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड, तो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट से जो फॉर्मूला होती है गुडविल निकालने के लिए जवाब दीजिए। आपको स्टार्टिंग में भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये चीज़ बता चुके हैं क्या होती है, जवाब यहाँ पे आराम से आप लोग लिख लीजिएगा क्या हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग नीचे जो है कमेंट करिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपके एक कमेंट हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल होती है, मोटिवेशन देता है, तो आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा। उसके बाद इस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे का वीडियो मिल सके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि वो लोग भी मेरे से जुड़ सके, और ज़्यादा स्टूडेंट रहेगा तो पढ़ाने में अच्छा लगेगा, तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर लीजिएगा। बाकी जो है मिलते हैं अगले चैप्टर के वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय।